स्टूडियो में छठे फेज के अंदर जो सेकेंडरी टीचर रिक्रूटमेंट चल रहा है, जिसके लिए अभी भी 15-16 दिन बाकी है अप्लाई करने का, उसकी डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा, खासकर कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस का। ये छठे फेज़ वालों के लिए भी ज़रूरी है और सातवें फेज़ वालों के लिए भी ज़रूरी है। सातवें फेज़ वाले इस छठे फेज़ की सेकेंडरी टीचर रिक्रूटमेंट पर इसलिए नज़र रखें कि इस पर कितनी सीट बैकलॉग बन के आगे जाती है, कितनी सीट भर जाती है, क्योंकि करप्शन भी बहुत ज़्यादा है बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट में, जो लोकल लेवल की नियोजन इकाइयाँ हैं उसके अंदर। तो इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं सीटें गलत तरीके से तो नहीं भरी जा रही हैं। लेकिन ये नज़र हम तभी रख पाएंगे जब हमें पहले से पता हो कि किस नियोजन इकाई के अंदर कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस की सीटें कितनी थी। तो इस वीडियो के अंदर वन बाय वन मैं आपको लेके चलूँगा कुछ नियोजन इकाइयों के डेटा की तरफ, और वहाँ पर कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस का जो डेटा अवेलेबल है उससे मैं आपको रूबरू कराऊँगा। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर अभी देखिए, ये है इसका नियोजन इकाई का डिटेल आ जाएगा आपके सामने। इसको इंस्टॉल करता हूँ मैं। ज़िला शिक्षा पदाधिकारी, ये है ज़िला परिषद बक्सर का, लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है और उसकी सीट भी लिखी हुई है। सभी सब्जेक्ट का देखिए यहाँ पर 9-10 का ही है, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ मैं, 9-10 का ही है मेनली, और सामाजिक विज्ञान का ये वाला रो है। देखिए 34 कुल सीट है यहाँ पे, और इस 34 को अलग अलग आगे कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, पर कुल जो सीट है वो 34 है। अब चलते हैं हायर सेकेंडरी का देखते हैं, उच्च माध्यमिक का देखते हैं, वहाँ पर कितनी सीट है सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो ये वही चीज़ है, 9-10 वाला ही है। अभी आपके स्क्रीन पर देखिए, ये 11-12 का है, सभी सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, इसमें से कंप्यूटर गायब है। आमतौर पर अगर किसी भी नियोजन इकाई का डेटा अगर आप देखें तो कंप्यूटर साइंस सेकंड लास्ट रो में मेंशन रहता है म्यूज़िक के ऊपर, और यहाँ पर देखिए म्यूज़िक के ऊपर उर्दू लिखा हुआ है, और बाकी भी कहीं पर कंप्यूटर साइंस का डिटेल नहीं है। तो इसका मतलब ज़िला परिषद बक्सर के अंदर कंप्यूटर साइंस की कोई सीट अवेलेबल नहीं है। सोशल साइंस की 34 सीट दिखी, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो ये तो था ज़िला परिषद बक्सर का हाल। अब चलते हैं किसी और नियोजन इकाई की तरफ और देखते हैं वहाँ पर क्या हाल है, कितनी सीटें हैं। और अभी आपके स्क्रीन पर देखिए, ये आ गया मुजफ्फरपुर, बिहार का एक बड़ा ज़िला, एक बड़ा शहर, जहाँ पर आमतौर पर सीटें ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखते हैं कितनी ज़्यादा सीटें हैं कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस के अंदर। तो ये 2019 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, छठे फेज़ का जो सेकेंडरी टीचर रिक्रूटमेंट है उसी का डेटा दे रखा है। सबसे पहले ये वाला सेक्शन देखिए, ये इस वाले कॉलम में नियोजन इकाइयों का नाम, ज़िला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद कांटी, नगर परिषद मोतीपुर, नगर परिषद साहेबगंज, और उसके सामने सब्जेक्ट वाइज जो उस नियोजन इकाई के अंदर जो सीट है उसकी डिटेल्स दे रखा है। तो समाज शास्त्र का देखिए 38 सीट है ज़िला परिषद के अंदर। ये बात मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में कहा है कि किसी भी ज़िले के अंदर जो सबसे ज़्यादा सीट होती है वो उस ज़िले के जो ज़िला परिषद वाला जो नियोजन इकाई है वहीं पर होता है। नगर निगम में भी आमतौर पर कम ही रहता है। तो ज़िला परिषद में देखिए कितनी ज़्यादा सीटें हैं, 38 सीटें हैं अपने समाज शास्त्र की। उसके नीचे नगर निगम में एक सीट है, नगर परिषद कांटी में एक सीट है, नगर परिषद मोतीपुर में कोई सीट नहीं है, नगर परिषद साहिबगंज में एक सीट है। कुल मिला के योग जो ऐड जो बनता है वो 41 सीट बनता है समाज शास्त्र का मुजफ्फरपुर के अलग अलग नियोजन इकाइयों में। अब कंप्यूटर साइंस का देखिए, जो सबसे लास्ट में दिख रहा है ना, यही कंप्यूटर साइंस है। 10 सीट इसकी है ज़िला परिषद में, नगर निगम में कोई सीट नहीं, नगर परिषद कांटी में एक सीट है, 2 सीट इसकी मोतीपुर नगर परिषद में, और कुल मिला के जो सीट बनता है वो 13 सीट बनता है। तो ओवरऑल अगर आप मुजफ्फरपुर के अलग अलग नियोजन इकाइयों का डेटा देखें तो यहाँ पर सोशल साइंस में भी ठीक ठाक सीट है और कंप्यूटर साइंस में भी ठीक ठाक सीट है। अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं सेकेंडरी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए छठे फेज़ में, तो मुजफ्फरपुर में ट्राई कर सकते हैं। पर मुजफ्फरपुर एक ऐसा ज़िला भी है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि मुजफ्फरपुर एक बड़ी आबादी वाला ज़िला है, एक बड़ी आबादी वाला ज़िला के साथ साथ एक बड़ी आबादी वाला शहर भी है। मतलब इस ज़िले के अंदर शहरी आबादी ठीक ठाक है, और जहाँ पर एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा ऊपर से शहरी आबादी भी ज़्यादा, तो वहाँ पर कैंडिडेट भी ज़्यादा होगा।
तो यहाँ पर कंपटीशन और भीड़ भाड़ रहने का पूरा पूरा चांस है। तो ज़िला परिषद अलग अलग नगर निगम नगर परिषद सबका आपने देख लिया, मुजफ्फरपुर ज़िले का हाल। अब चलते हैं किसी और ज़िले की तरफ, वहाँ की नियोजन इकाइयों में क्या है हाल, आपके स्क्रीन पर अभी देखिए ये नियोजन इकाई है जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला परिषद पूर्वी चंपारण या मोतिहारी। और यहाँ पर देखिए क्या है हाल प्राइमरी का, सॉरी सेकेंडरी का और उच्च और हायर सेकेंडरी का, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का। ये इस तरफ वाले सेक्शन में माध्यमिक है, इस तरफ वाले सेक्शन में उच्च माध्यमिक है। अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, सामाजिक विज्ञान पर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की कुल सीटें यहाँ पर 44, तो 44 सीट है मोतिहारी के अंदर। सीट ठीक ठाक है, मतलब अगर आप अप्लाई करने वाले हैं एलिजिबल हैं, आपके पास STET 2012 का सर्टिफिकेट है और रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट करते हैं तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सीट यहाँ पर ठीक ठाक दिख रही है। अब स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं अपना हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक वाला जो मामला है। कंप्यूटर साइंस, देखिए CSE, ये जो CSE होता है ये कंप्यूटर ही होता है, 21 सीट है। तो अभी तक मैंने चार ही ऐसा नियोजन इकाई देखा है जहाँ पर कंप्यूटर साइंस की जो कुल सीट है वो 20 को पार की है, और ये चौथा नियोजन इकाई है। अभी पीछे आपने 13 वाला देखा इसी वीडियो में, पर ये चौथा ऐसा नियोजन इकाई है। एक बांका का था, एक पटना नगर निगम था, और एक और मुझे ध्यान नहीं है, शायद और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मोतिहारी में भी कंप्यूटर साइंस का 21 सीट है जिला परिषद मोतिहारी के अंदर, और ये ठीक ठाक सीट है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में 2012 STET सर्टिफिकेट होल्डर हैं और रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हैं अलग अलग नियोजन इकाइयों का जो डेटा है कंप्यूटर साइंस का और सोशल साइंस का, तीन ज़िलों का मैंने आपको दिखाया इस वीडियो के अंदर। अब इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके उन सब सोशल साइंस वाले नहीं भी नज़र रखेंगे चलेगा, वो अप्लाई करने के मकसद से इस पर नज़र रख सकते हैं कहाँ पर अप्लाई करना है, लेकिन कंप्यूटर साइंस वाले नज़र रखें कि कितने लोग, कितनी सीट है, कितने एप्लीकेशन आ रहे हैं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कितने का नाम आ रहा है, फाइनल डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद कितनों का नाम आ रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, क्योंकि बैकलॉग यहाँ से जितना ज़्यादा जाएगा आगे चल के सातवें फेज़ में उतनी आसानी होगी। तो अभी के लिए यही सारा कुछ था, और जो डेटा था वो मैंने आपके सामने रख दिया, तीन अलग अलग ज़िलों का, बक्सर मुजफ्फरपुर और मोतिहारी का आपको मैंने दिखाया। तो अभी के लिए यही सारी चीज़ें थी, आगे बिहार में टीचर बहाली से संबंधित या STET से संबंधित कोई भी खबर आती, अपडेट आती तो आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू।